पर जहां पर वीआईपी गेट पर धरने पर बैठे पंडा समाज के लोग केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। तो बता दें कि वीआईपी दर्शन के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने धरना दिया है। मंदिर समिति के खिलाफ पंडा समाज के लोगों ने नारेबाजी भी की हुई है। ये बड़ी जानकारी रुद्रप्रयाग से, जहां पर वीआईपी गेट पर धरने पर बैठे हैं पंडा समाज के लोग। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने की मांग है। वीआईपी दर्शन के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने यह धरना दिया हुआ है। मंदिर समिति के खिलाफ पंडा समाज के लोगों ने नारेबाजी की है। तो आपको बता दें कि वीआईपी मूवमेंट को लेकर वीआईपी गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं पंडा समाज के लोग, और इसके साथ ही वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने की उनकी मांग है। मंदिर समिति के खिलाफ पंडा समाज के लोगों ने नारेबाजी भी की है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर द्वितीय केदार बाबा मदमहेश्वर के कपाट खोले गए हैं। सुबह 11:30 बजे विधि विधान से बाबा के कपाट खोले गए हैं। विशेष पूजा के बाद सभा मंडप में विराजमान हुए हैं बाबा मदमहेश्वर। न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं बाबा मदमहेश्वर। भक्तों में दिखा खासा उत्साह। तो ये बड़ी जानकारी रुद्रप्रयाग से, जहां पर द्वितीय केदार बाबा मदमहेश्वर के कपाट खोले गए। सुबह 11:30 बजे विधि विधान से कपाटों को खोला गया है और विशेष पूजा के बाद सभा मंडप में विराजित हुए हैं बाबा मदमहेश्वर। न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं बाबा मदमहेश्वर। भक्तों में खासा उत्साह भी इस दौरान दिखाई दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चमोली में भगवान रुद्र